एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शानदार जीत, पाकिस्तान को 2-1 से हराया। भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किए दोनों गोल। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अजय है टीम इंडिया, टीम ने अपने 5 मैच जीते। भारत पाकिस्तान पहली सेमीफाइनल के लिए कर चुकी है क्वालिफाई। मैच के दौरान पाकिस्तान की टीम को लगा झटका, 21वें मिनट में पाकिस्तान के अबू महमूद चोटिल डिफेंस करते वक्त दाहिना घुटना मुड़ा। 34 साल के हुए भारत के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव सूर्या की झोली में भारत के लिए T20 में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। रोहित शर्मा के बाद T20 में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला, इंग्लैंड की टीम ने 3 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज 1-1 से बराबर। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 193 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19वें ओवर में 7 विकेट में 194 रन बनाकर मैच जीता। दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रेविस हेड ने संभाली कप्तानी। टॉस के दौरान हेड ने टीम के रेगुलर कप्तान मिचेल मार्श के बीमार होने की जानकारी दी। आईपीएल की रिटेंशन पॉलिसी के नियम जारी करने में देरी कर सकती है बीसीसीआई। रिपोर्ट्स के मुताबिक देरी से चेन्नई सुपर किंग्स और एमएस धोनी को हो सकता है फायदा। रिटायर्ड इंटरनेशनल प्लेयर्स को अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किया जाएगा। कई अन्य विदेशी खिलाड़ियों के भी पक्ष में होगा फैसला। श्रेयस अय्यर की खराब फॉर्म पर पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी बासित अली का बड़ा बयान, कहा अय्यर में नहीं है टेस्ट क्रिकेट की भूख, अगर मैं सिलेक्टर होता तो दिलीप ट्रॉफी में मौका नहीं देता। दिलीप ट्रॉफी में इंडिया ए और इंडिया डी का मुकाबला, इंडिया ए को दूसरी पारी में 487 रनों की बढ़त, प्रथम सिंह और तिलक वर्मा ने शतक जड़ा। आवेश खान के पिता बोले, मेरा एक सपना अभी बाकी, चाहता हूं मेरा बेटा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करे। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉकल का बयान, बोले बीसीसीआई से सूचना मिलने के बाद सबसे पहले पिता को किया था फोन। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 में शामिल होते ही खास रिकॉर्ड बनाएंगे आर अश्विन, 1300 दिन बाद चेन्नई के मैदान पर खेलेंगे क्रिकेट। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने विराट कोहली को बताया अपना सेलिब्रिटी क्रश, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अनन्या का वीडियो। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज मिचेल स्टार्क का विराट कोहली पर बयान, बोले मैं विराट कोहली के साथ अपनी जंग का पूरा लुत्फ उठाता हूं, हम दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेला है। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सोशल मीडिया पर 1 बिलियन फॉलोअर्स हुए। रोनाल्डो बोले, मुझ पर विश्वास करने और समर्थन देने के लिए सभी का धन्यवाद। डायमंड लीग के फाइनल में आज नीरज चोपड़ा का मुकाबला 90 मीटर के पार थ्रो पर होगी नीरज की नजर। देर रात 12 बजे शुरू होगा नीरज का इवेंट। द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो के दूसरे सीजन में नजर आएंगे टीम इंडिया के खिलाड़ी। T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रोहित समेत सूर्य कुमार भी दिखाई देंगे। पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नवदीप ने क्रिकेट पर की बात, बोले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा मेरे पसंदीदा खिलाड़ी, डबल सेंचुरी के बाद से रोहित शर्मा के फैन हैं नवदीप।